एक समय कैलास मझारी बैठे शंभु मात्र पुरारी। एक समय में कैलाश पर्वत पे शंकर और पार्वती जी बैठे हुए। पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, महाराज ऐसी कौन सी आरण है जहाँ एक राम नाम कहने से हजारों राम नाम का फल प्राप्त हो सकता है? तो उन्होंने भोलेनाथ ने कहा है कि हे प्रिय, ऐसी भूमंडल में इस संसार में तीन आराण है, एक योगारण बद्रिका आश्रम, भोगारण मथुरा वृंदावन, तपोआरण नैमिषारण। पंचकोशे प्रमाणी चा इति नैमिष मंडले, पांच कोश के अंदर जितने भी तीर्थ हैं वो नैमिष क्षेत्र में कहे जाते हैं और पांच कोश के अंदर भूमंडल के जितने भी तीर्थ आकर के यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जो कि दधीचि ऋषि को स्नान करवाया गया। तो पार्वती जी ने कहा, न महाराज हमको जोग करना है न भोग करना है, केवल तपस्या ही करना है। तो भोलेनाथ ने कहा है कि हे प्रिय, वहाँ बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। खाई हार साग फल कंदा, सुमिरहु ब्रह्म सच्चिदानंदा, वहाँ फूल फल हवा ही खा करके तपस्या करनी पड़ती है। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज हमको न जोग करना है न भोग करना है, तपस्या करना है। तो भोलेनाथ ने कहा, वहाँ पर बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, पानी मिलेगा? तो कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आपको जब वर पाया था तो बहुत बचपन में तपस्या की है, तो हम तपस्या जरूर करेंगे। तो कैलाश छोड़ करके पार्वती और शंकर जी यहाँ नैमिष क्षेत्र में आए हैं। तीन मील गोमती के दक्षिण दिश कीन्ह तपस महेश, बहुत काल इम चली गए उस सहयो अतिष्कले। तीन मील गोमती नदी के दक्षिण दिशा में आकर के यहाँ पर बैठ करके तपस्या करने लगे। बहुत समय व्यतीत होने पर माता पार्वती ने नंदीश्वर को बुला करके कहा, हे बेटा, हमको एक कमंडल जल ला करके दीजिएगा, हमारे प्यास से हम व्याकुल हैं। नंदीश्वर ने जवाब दिया, माँ इस 84 कोस के जंगल में हम कहाँ से जल ला करके दे सकते हैं? तो कहने लगे, शंकर जी की समाधि को डिगाओ। नंदीश्वर कहने लगा कि हे माता, शंकर जी की समाधि को कामदेव ने जगाया था तो उनको भस्म कर दिया, माँ ये भी मेरी क्षमता नहीं। तो पार्वती जी ने स्वयं प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर नहीं जगते तो आपका अर्धांग नष्ट हो जाएगा, हम प्यास से व्याकुल हैं। भोलेनाथ ने आर्त भरी शब्दों को सुनकर के अपने नेत्र खोल दिए। कहने लगे, हे प्रिय, क्या बात है? तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज हमको प्यास लगी हुई है और हमको जल चाहिए। तो कहने लगे कि हमने पहले ही कह दिया था जल पीने को नहीं मिलेगा, खैर धैर्य धारण करें। शंकर जी का नाम संघार करता है, उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया तो साधु संतों की झोपड़ियां थी वो जलने लगी। वो आकर के प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, अभी गौ ब्राह्मण वेद कन्या को सभी मानते हैं, धर्म का विनाश नहीं हुआ, महाराज आप नेत्र बंद करें। तो शंकर जी ने कहा, हमको एक कमंडल जल चाहिए, हमारी अर्धांगिनी प्यासी है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि हम आपको कमंडल भर जल देंगे। सूर्य की किरणों से जल उत्पन्न हुआ, उसी को सूर्य नारायण भगवान ने आकर के शंकर भोलेनाथ को दिया, भोलेनाथ ने पार्वती जी को दिया, पार्वती जी ने आचमन किया, जो जल जमीन पे गिरा हुआ था वो इकट्ठा रहा। तपस्या फिर करने लगे। तपस्या जब पूर्ण हो गई तो पार्वती जी क्या देखती हैं कि वो कुंड रूपी अवतरित हो गया है। तो भोलेनाथ से प्रार्थना की, महाराज ये कैसा है कि एक कमंडल जल से ये कुंड बन गया है? तो भोलेनाथ ने कहा, हे प्रिय, ये हमारी और आपकी तपस्या की शक्ति है और सूर्य भगवान का दिया हुआ जल है, इसलिए सूर्य ने ग्रहण नहीं किया। तो आज से हम इसका नाम प्रभास्कर क्षेत्र रखते हैं। आगे कलिकाल आ रहा है, जो भी इसमें स्नान करेगा उसको मनवांछित फल प्राप्त होगा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है प्रभु। तपस्या पूर्ण होने के बाद में चले गए। इसके बाद में एक समय में ब्रह्मा जी को सरस्वती कन्या के साथ मानसिक पाप लग गया। पहले मनसा वाचा कर्मणा, अगर मन में पाप आता वो भी वचन से कह देते वो भी पाप था, कलिकाल में जो हाथों से होता है उसी को कहते हैं हम पापी हैं। ब्रह्मा जी सभा से उठ करके जिस समय शयन कक्ष को गए हैं तो उन्होंने समझा हमारी ब्रह्मानी लेटी, उन्होंने इसी भाव से उसको जगाया। जगाने पर वो बैठ गई, बैठने पर कहने लगी, हे पिताजी, आपने किस लिए जगाया? ब्रह्मा जी को मानसिक पाप लग गया, मन में पाप आ गया, हमने इसी भाव से अपनी कन्या को देखा, रात भर नींद नहीं आई, प्रातःकाल जब सभा में गए हैं तो ऋषियों की सभा लगी हुई थी, उन्होंने कहा कि हमको ऐसा ऐसा प्राश्चित पाप हो गया, प्राश्चित किया उसका।
ऋषियों ने कहा, इस पाप से दूर होने के लिए आपको चाहिए सूखे पीपल में आग लगा करके उल्टा उल्टा टंग करके धुआं पी करके प्राणांत कर दें, तब आपका पाप दूर होगा। लेकिन एक ब्रह्मा की रचना करने में ब्रह्म को बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, सृष्टि कैसे चलती। तब तक नारद जी आ गए। इसी सोच अवस्था में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे चिंतित अवस्था में। नारद जी ने कहा, पिताजी प्रणाम। पिताजी ने जवाब दिया, बेटा चिरंजीव, हमको ऐसा ऐसा पाप लग गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप तीर्थ यात्रा करें। तो ब्रह्मा जी अपने तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो गए। तो काशी कुरंगम वदरी नसिंहम ये उशना महा शिव तीर्थेशु, काशी गया प्रयाग हरिद्वार हर जगह पर गए हैं, लेकिन उनकी मानसिक ग्लानी थी वो दूर नहीं। जब यहाँ पर नैमिष क्षेत्र में आए तपोवारण में, तो ऋषियों ने बताया, जैसे कि आप नैमिष में आए हैं, आपको ऋषियों ने बताया कि यहाँ एक हत्याहार तीर्थ है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक प्रभास्कर क्षेत्र है। प्रभास्कर क्षेत्र को सुनकर के ब्रह्मा जी यहाँ माघी की पूर्णिमा के दिन आए हैं, स्नान किया, तब आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब आपका मानसिक ग्लानि है वो दूर होना चाहिए, क्योंकि आप प्रभास्कर क्षेत्र में स्नान कर चुके हैं। तो उन्होंने इसका नाम ब्रह्म क्षेत्र रखा कि हमारा मानसिक ग्लानि वो दूर हो गई, तो हम अपने नाम का तीर्थ को करती है। तो उन्होंने इसका नाम ब्रह्म क्षेत्र रखा। बहुत समय तक ब्रह्म क्षेत्र नाम चलता रहा। इसके बाद त्रेता आया। त्रेता में रामावतार हुआ, सभी जानते राम जी की सीता को हरण करके रावण ले गया है। रावण को सकुटुंब मार करके, विभीषण को राज्य दे करके, जब अयोध्यापुरी में राज्य करने लगे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तब रावण स्वप्न में दिखाई देता है, राम उठो युद्ध करो। कई बार सपना देखने पर ये वशिष्ठ के पास में जाते हैं, क्योंकि वशिष्ठ इनके कुल के गुरु थे। गुरु जी के पास जाते हैं, अपना मनोरथ कहते हैं, और कहने के पश्चात कहते हैं हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो वशिष्ठ ने कहा कि आपकी अश्वमेध यज्ञ में गौ ब्राह्मण वेद कन्या नहीं शामिल होगे। तो कहने लगे, महाराज जब ये नहीं शामिल होगे तो हमारी यज्ञ कैसे पूर्ण होगी। कहने लगे वशिष्ठ कि आप ब्रह्म हत्यारे हैं। राम ने तर्क भी किया कि हम ब्रह्म हत्यारे कैसे हैं, रावण को हमने चोरी से नहीं मारा है, हमने युद्धस्थल में मारा है। तो कहने लगे, आप मर्यादा को रक्षा करने के लिए पैदा हुए, मर्यादा विनाश करने के लिए नहीं पैदा हुए। आपके दाहिने हाथ में श्यामता और कालकंटक का निशान है, यही हत्या की निशानी है। लखे हाथ में स्याही वारा, तब रघुवंश मणि ने बिचारा, हाथ में श्यामता और कालकंटक का निशान देखा, तब कहने लगे कि ठीक है, हमको ब्रह्म हत्या लगी, महाराज जी कैसे दूर हो सकती। तो वशिष्ठ ने कहा, आप सब नदियों में स्नान करें, सब तीर्थों में स्नान करें। तो नदियों में पहले स्नान करना चालू किया, गंगा सिंध सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया जन्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याता गया गांडकी। इस तरीके से सब नदियों में स्नान करके जब उनका जो श्यामता और कालकंटक का निशान था वो नहीं गया, तब यहाँ पर आए हैं नैमिष क्षेत्र में। नैमिष में ऋषियों ने कहा कि आप परिक्रमा करें। रामादल आकर के परिक्रमा किया, अमावस्या के दिन नैमिष में, परेवा के दिन जरिगवा करुणा में, द्विज के दिन हरैया में, तृतीया के दिन प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ आते हुए। तो फाल्गुन शुक्ल तीज रविवारा, आवत भे अवधेश कुमारा। फाल्गुन का महीना था, शुक्ल पक्ष था, तीज तिथि दिन इतवार था, उस दिन यहाँ पर आए हैं, स्नान किया है, सब ऋषियों के सहित स्नान करके उसके बाद में दान में चालू किया है। तो सज्जा वृक्ष दान स्वर्ण दान अनेकों प्रकार के दान दिए, लेकिन उनका श्यामता और कालकंटक का निशान था वो नहीं गया। तब ब्राह्मणों ने कहा, आप अब गोदान करिए। तो कहने लगे, भाई सवाल वृक्ष गुओं को मंगाइए, हम ब्राह्मणों को दान देंगे। तो दान में घंटा झालर रजित खुर पीतांबर उड़वाए दीन धेनु इम दजिन को, मैं अलंकार सहित सवाल वृक्ष गुओं का जब दान दिया है तो परमात्मा का श्यामता और कालकंटक का निशान था वो चला गया। तब उन्होंने देखा गदेदी को, लक्ष्मण से बुला करके कहा, भैया अब हमारी हत्या तो दूर हो गई है। तो कहने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वास्तव में ये जो ब्रह्म क्षेत्र है इसमें स्नान करने से और गोदान करने से पाप दूर हो गया, तो हम इसका नाम हत्या रखते हैं। तो कहने लगे, हे भैया लक्ष्मण, जन्मोति प्रमोति हत्या मोक्षे नाम संशया, जान में हो या अनजान में हो, किसी जन्म का प्राश्चित हो, हत्याहार में स्नान करने से ही दूर होगा, दान की तो बात अलग है। ऐसा यहाँ का महत्व है सरकार, हमको जो टूटे टूटे शब्द मालूम थे वो हमने आपको समक्ष में पेश कर दिया और संक्षेप में आपको बताया है। इसे अन्यथा शिव पुराण सिद्ध करती है, हत्याहार में अघापाराम का उपशिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से पाप दूर होते हैं,
वो ये शिवलिंग है जिसके आप दर्शन कर आए हैं, यही पंचमुखी शंकर जी की मूर्ति है। तीर्थ के किनारे किनारे और अन्यथा देवता हैं, काली देवी जी का स्थान है, हनुमान जी का स्थान है, राम जी का स्थान है, परिक्रमा पूरी हो जाती है, ऐसा यहाँ का महत्व सरकार है। अब हम भी छाया में चले। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सौतापत्यहरण तीर्थ भगवान की जय, संत जन भगवान की जय।